हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे भिंडी की बहुत ही बढ़िया रेसिपी। देखिए, भिंडी को इस तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। भिंडी को पहले बढ़िया से वॉश करके इसको सुखा लेंगे। एक साफ कपड़े से पोंछ लीजिए या थोड़ी देर खुले में रख दीजिए तो ये बढ़िया ड्राई हो जाती है। इसके बाद इसको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। भिंडी के पीछे का और आगे का हिस्सा फेंक देंगे, है ना। तो ये हमने 250 ग्राम भिंडी ली है। दो हरी मिर्चें हैं, बारीक काट लेंगे। एक मीडियम प्याज है, इसे बारीक काट लेंगे। और एक टमाटर, मिर्च, प्याज और टमाटर को अच्छे से बारीक काट लेंगे। अब एक कढ़ाई गरम करते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, बहुत थोड़ा सा तेल डालना है। तेल को थोड़ा गरम होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। और ये बेसन को हमको बढ़िया भूनना है। बेसन का जो है हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी। बस उतना हमें इसे भूनना है। ये देखिए, इसका कलर चेंज होने लगा है और ये बढ़िया से भून गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमने बेसन भूनकर अलग निकाल के रख लिया है। अब हम गैस पर कढ़ाई गरम कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब इसमें हम ये भिंडी डाल देंगे। चार पाँच मिनट तक भिंडी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये बढ़िया कुक हो जाए। थोड़ा गैस की फ्लेम कभी मीडियम कभी स्लो पर करते जाएंगे और इसे बढ़िया फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, 4-5 मिनट हमने इस भिंडी को, करीब 5 मिनट हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये लगभग 80% कुक हो गई है। अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, भिंडी हमारी 80-90% अच्छे से कुक हो गई है। इसे साइड में रख लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डाल देंगे क्योंकि अब हमें प्याज को फ्राई करना है। तो थोड़ा सा तेल हमने और डाल दिया। तेल को गर्म होने देंगे। थोड़े से इसमें 1-2 भिंडी के बीज रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच राई। राई को चटकने देंगे। राई को हमेशा पूरा चटकने देना चाहिए। अगर राई हमारी अच्छे से चटकी नहीं तो वो कड़वी रह जाती है। जब अगर राई पूरी तरह से चटक जाती है ना तो उसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट आता है। ये देखिए, राई हमारी अच्छे से चटक गई है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। राई और हींग की जो मिक्स खुशबू आती है ना, बहुत ही बढ़िया, एकदम मुंह में पानी आ जाता है। अब ये मिर्च को थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए ऐसे फ्राई कर लेंगे। और अब डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें बढ़िया गुलाबी लाल होने तक बढ़िया इसे हमें फ्राई करना है। ये देखिए, प्याज हमारे बढ़िया लाल हो गए हैं, लाल गुलाबी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए इतना हमें फ्राई करना है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर, 1 मीडियम टमाटर है। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे नमक,
स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे, मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। हल्दी भी डाल देंगे 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर भी डाल देंगे, 1/4 चम्मच ही हम इसमें सब्जी का मसाला डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल दिया है, इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हमें पकने देना है। अब इसे ढक देंगे और 2-3 मिनट तक इसे पकने देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। ये देखिए 2 मिनट इसे हमने ढक कर पका लिया ताकि हमारे टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं। इसको ऐसा थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये भिंडी, भिंडी को जिसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, 80-90% हमने फ्राई कर लिया था, उसके बाद निकाल लिया। तो ये क्योंकि गर्म होती है रखे रखे अच्छे से पक जाती है। अब ये भिंडी को हम डाल के अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको शुरू शुरू में नमक का जो है अंदाज़ सही नहीं आता, मतलब मसालों में ही आपको अगर नमक का अंदाज़ नहीं आता, तो आप सारी सब्जी डालने के बाद में फिर नमक डाला कीजिए, इससे आपका नमक का अंदाज़ सही बैठेगा। ये देखिए ये हमने मसाले में भिंडी को सारे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें ये जो हमने बेसन को भून के रखा था, 2 चम्मच बेसन जिसको हमने अच्छे से पहले फ्राई कर लिया था, ये बेसन इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो है ना भिंडी को ये जो बेसन का अच्छे से कोटिंग हो जाए। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। बेसन और मसालों के साथ भिंडी को अच्छे से कोट कर देंगे। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर पानी के छींटे मारने हैं। देखिए बहुत थोड़े से पानी के छींटे मारने हैं। इसे इस तरीके से मिलाते जाएंगे। एक बार और थोड़े से हम पानी का छींटा मार देंगे। और इसको 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक कर रख देंगे। देखिए 1 मिनट के बाद हमने इसे खोल लिया है। इसे अच्छे से उलट पलट कर लेंगे। बेसन हमारा क्योंकि बहुत अच्छे से पक गया था, और फिर थोड़ा सा हमने पानी डालकर पानी के छींटे मारकर इसे हमने अच्छे से पका लिया है। अब ये भिंडी को भी ये बेसन और मसाला अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ताज़ा हरा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चुटकी भर इसमें गरम मसाला डाल देंगे। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है फ्रेंड्स, बहुत ही खुशबूदार है। अगर इसकी रेसिपी देखनी है तो मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये बहुत ही टेस्टी मसाला बनाकर तैयार रख सकते हैं, जो कि बाज़ार से भी बहुत टेस्टी होता है। ये मसाला और हरा धनिया हमने अच्छे से मिला दिया है, और अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसे सजा देंगे
और लीजिए फ्रेंड्स, आपकी बहुत ही टेस्टी एकदम यूनिक टेस्ट वाली भिंडी की सूखी सब्जी तैयार है। ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हमारी ये भिंडी की सब्जी तैयार है। आप भी बनाकर देखिए और हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।